राजधानी रायपुर में निगम ने दीपावली के लिए सफाई के लिए स्पेशल टीम बनाई, मगर इस टीम की सफाई दीपावली के दूसरे दिन भी नदारद रही। लिहाजा शहर के कुछ हिस्सों में सफाई अभियान किया गया, अभी भी काफी जगहों पर कचरे का ढेर लगा हुआ है। प्रदेश में निगम द्वारा ऐलान किया गया था कि दिवाली के दो दिन के अंदर शहर वापस साफ हो जाएगा, लेकिन जब शहर में देखा तो कई जगह पटाखों के कचरे का ढेर नजर आया। मेयर प्रमोद दुबे से देश टीवी ने जब इस मामले को लेकर बात की तो उन्होंने बताया कि शहर में मना करने के बाद भी लोग दिवाली के 4-5 दिन तक पटाखे फोड़ते हैं। सफाई होने के अगले ही दिन फिर वही गंदगी नजर आती है, जिससे आम जनता ही सबसे ज्यादा परेशान होती है। जोनों में इन सब कार्यों को डिसेंट्रलाइज किया गया था, ये जरूर है कि यहाँ लगभग 3 से 4 दिन फटाके फूटते हैं। सुबह वो उड़ जाते हैं, उसके बाद वापस जब फटाके के जो पन्नी जो पड़े रहते हैं तो ऐसा लगता है कि वो साफ़ ही नहीं हुआ है, लेकिन लगभग 80% स्थानों पर सफाई हुई है। 20% स्थानों पर मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये लापरवाही हुई है और उसमें हम कार्रवाई करेंगे। प्रमोद दुबे ने यह भी बात बताया कि शहर में लगभग 80% जगह सफाई हो चुकी है और यह भी मानता हूं कि अभी तक 20% जगहों पर सफाई नहीं हो पाई है, उसके लिए भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। पटाखों से एक तरफ गंदगी होती है, वहीं दूसरी तरफ उससे निकलने वाले धुएं से कई प्रकार की बीमारियां भी होती है। प्रमोद दुबे ने देश टीवी के माध्यम से जनता को संदेश भी दिया कि आम जनता को इसका खास ध्यान रखना चाहिए, जिससे गंदगी तो कम होगी ही, साथ ही बीमारियों से भी निजात मिलेगी। देश टीवी के लिए कैमरामैन एस गणेश के साथ रिचा सहाय की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।